एक गीत सुनिएगा हमारा, सुनिए। अब चूंकि बार बार शुरू से गिनतियां चल रही हैं, पहले गाने में भी आपने गिनती बताई कि मेरे में तीन कम हुआ, दो हो गए, दो कम हुआ, एक हो गए, एक को खत्म हो गए, कुछ बचे नहीं। फिर दूसरे में भी पांच पति की वो पत्नी, दस पति की वो पत्नी, ये तो सब पढ़ लेते हैं लोग। अगर कहा है आपने, एक गिनती का गीत हम आपको सुनाते हैं। ये बात थोड़ा सा राइटर महोदय हाथ जोड़ रही हूँ, एक से कहूँ कि तीनों से कहूँ मुझे पता नहीं। और उठाइए किलिम। लेकिन तीनों लोग ध्यान से सुने, सुन ले। तीनों भी अगर दो दो लाइन जोड़ेंगे तो जवाब बन जाए। पहले पूरा गीत सुन लेना, उत्तर बाद में लिखना। एक गीत कह रहे हैं कि ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल होनहार बिरवान के हो चीखने पार, आप कितना भी छुपाएं वो आ ही जाएगा उनको। गीत को सुनिए और मैं निवेदन कर रही हूँ जनता जनार्दन सभी लोगों से, भाई मेरे, हाँ दोनों को सुनिए। मैं निवेदन कर रही हूँ अगर सुनने आए हैं, और अगर एक ही तरफ सुनना है तो बात अलग है, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं निवेदन करूंगी जब दोनों तरफ का सवाल जवाब आप सुनेंगे तभी आपको जवाबी कहा। मैं जनता से भी निवेदन कर रही हूँ, और भैया आदमी चंदन दीवाना जी गीत को सुनिएगा। मेरे गीत में कुछ नहीं है, बस केवल जिस समय द्रौपदी का विवाह हुआ, अर्जुन ने मछली का भोजन किया और द्रौपदी को जीत कर लाए, विवाह करके ले आए। माँ कुंती काम में लगे हैं, माता ने ऊपर देखा भी नहीं, अर्जुन ने कहा मैया हम कुछ लाए हैं, लाए हैं। माँ ने कहा इसको आपस में पांचों बांट लो। अब सवाल है पत्नी एक है, पांचों में कैसे बटे, समझे? लेकिन फिर भी वो पांचों पतियों के साथ रही वही पांचाली जिसकी बात आप कर रहे हैं। वो पांचाल देश की स्त्री, नाम है पांचाली, पांचाली। और जब द्रौपदी विवाह होकर आए उनका, एक दिन विदुर जी उनके घर पर आए, बहुत ज्ञानी है, हस्त रेखा भाग्य रेखा देख लेते हैं। विदुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी का भाग्य देखना चाहता हूँ। कुंती ने कहा महाराज द्रौपदी का भाग्य देखकर बताइए ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। अब विदुर जी ने देखा तो बताया, कहा ये जो आपकी बहू है ये है कैसी, है कैसी? कहा ये सुख राशि पूर्णमासी, सुख राशि पूर्णमासी, यानी पूर्णमासी जैसे सुख देने वाली राशि के जैसी। श्री राम भैया सुनिएगा, कहा ये महात्मा विदुर ने कहा कि सुख राशि पूर्णमासी, सुख राशि पूर्णमासी, सुख राशि पूर्णमासी। उन्होंने कहा यह है कैसी, जैसे भोले रात के साथ माता पार्वती शोभायमान है। Yeah.
भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती अभी सुनिएगा कि माता को देख कर यानी द्रौपदी को देख कर उन्होंने कहा क्या उन्होंने कहा ये सौम्य रूप है चपला से एक तरफ सौम्यता है और एक तरफ चपलता है चपलता है बढ़िया नाम है ये छोटा सा भैया हमारा जिसका नाम मंगल पांडे है एक फिल्म भी आई मंगल पांडे मंगल पांडे तो ईश्वर आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल करे ढेर सारा आशीर्वाद है मेरी तरफ से मंगल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुने सौम्य रूप है चपला से सिंघने से और अबला से सूर्योदय से चंद्र तला से समाधान और बला से एक तरफ चपल में दिखती है एक तरफ सीधी भी है एक तरफ सूर्योदय सी है एक तरफ चंद्र कला सी कहीं कहीं ये समस्या है और कहीं कहीं समाधान बन जाती है तो कहे ये द्रौपदी इस पर नहीं है पर है शिला से एक जगह रुके नहीं है चंदन भाई राइटर महोदय जी सुनिएगा एक जगह रुके नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है शिला सी इस पर नहीं है अब निवेदन कर रहे हैं जितने लोग बैठे हैं मेरे गीत में क्योंकि इन्होंने शुरू से गिनतियों का गीत दिया है सवाल एक छोटा सा गिनती का प्रयोग है भैया चंदन दीवाना जी और छोटा सा प्रयोग है इसको सुनिएगा और आदरणीय लेखक महोदय जी सुनिएगा आप विदुर जी ने बताया ये द्रौपदी है कैसी है कैसी श्री राम भैया कहा सत में सबसे अधिक कैसी 81 गिनती निकली 81 नोट करिए गिनती 81 सत में सबसे अधिक कैसी यानी द्रौपदी में सत के अधिकता है ये एक सत्यवती नारी है सत में सबसे अधिक कैसी और सूरत खग मानो है 82 गिनती निकली 82 अब एक तरफ गिनती चल रही है एक तरफ अर्थ दूसरा निकल रहा है अब 82 बड़ा एक भोली भाली चिड़िया होती है कुलदीप भैया उन्होंने कहा कि अगर द्रौपदी माँ का समान ये तो भोली भाली 82 81 82 सत में सबसे अधिक 81 सूरत खग मानो है 82 अशोध किया तमने 83 यानी तीन राशियों वाली पहला नाम द्रौपदी दूसरा नाम कृष्णा तीसरा नाम पांचाली तीन राशि वाली समझिए शब्दी 83 शब्द है जो 84 84 आप लोग जानते हैं बैलों के गले में एक 84 बांधी जाती है वो रुंझुन रुंझुन बोलती है और वैसे ही द्रौपदी विजय चंदन में घूम रही है तो उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज आ रही है तो देखिए गिनती अलग निकल रही है अर्थ अलग निकल रहे हैं 81 82 83 84 तो शब्द है जो 84 लेकिन शब्द के सर्व समाहित है सुख 85 यानी सत और असत को अपने में पचा लेने वाली गिनती नोट करिएगा नोट करते रहिए सर्व समाहित सुपचासी भैया सर्व समाहित सुपचासी सोहे कुंती गरुड़ बछियासी अगर कुंती गाय का समान तो द्रौपदी बछियासी बछियासी और गिनती निकल गया 86
सब समाहित सुपच्छा से सोहा कुंती गई बच्छा से सारभूत अधिकृत सत्ता से सत्तासी सत्तासी यानी सत्ता को संभाल लेने वाली और गिनती निकल रही है सत्तासी सत्तासी सारभूत अधिकृत सत्ता से तो सत्ता को अट्ठासी उसी सत्ता पर अट्ठाहस करने वाली अट्ठाहस गांव गांव से हंसने वाली और इसी के हंसने की वजह से इतनी बड़ी महाभारत हो गई अट्ठासी और देखिए इक्यासी से लेकर अट्ठासी अट्ठासी के बाद नवासी क्या है प्रभु है काम नवासी नवासी लोग नातिन को कहते हैं नवासी है हमारे नवासे हैं तो शुच और पितरों की नातिन लगती है और मैं निवेदन करूंगी गिनती को आप लोग भी याद रखिएगा क्योंकि आप लोग सबसे बड़े न्यायाधीश आज के कीर्तन के बैठे हैं तो मैं इसलिए निवेदन कर रही हूँ सुनिए कथा को सोचते रहिए शुच पितरों की सुनिए आइए एक और गीत गाया है गिनती बताई है नवासी तक गिनती को छोड़ा है गिनती को बताया है और इसके अंदर एक विशेषता और है ये हर लाइन इनकी सांसें शुरू हो रही है और सांसें ही खत्म हो रही है सुनिएगा कोशिश की है सुनिएगा कोशिश की गई है और आपकी गिनती भी डाली है इसके अंदर ये दिल ऐसी कहना ये आपके हमने दिल में प्रेम नगर में बहुत प्यारी धुन गाई है आपने और सा से शब्द शुरू हो रहे हैं और सा पे ही खत्म हो रहे हैं संख्या जोड़ी है इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी नवासी देखा जाए तो शब्द जैसे लिखे जाते हैं वैसे नहीं आते हैं गीत में आपने जैसा गाया है सुनिएगा हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं प्रयास देखिए छोटे भैया आप मेरे गीत के जवाब दे रही हूँ आपको खुद दिल पे हाथ रख के देखना घर जाके कि आज मेरे देवर ने जो गाया क्या मैंने जवाब दे पाया आपने कहा चंदन YouTube देख रहा हम ये कह रहे हैं YouTube की बात छोड़ो यहाँ की जनता तो पहले देख रही है अपने दिल को पूछो आपका दिल गवाही दे रहा है कि जवाब हो गया तो नर नारिणी कुमामी सुनिए द्रौपदी की जैसे कि आपने बात की अब द्रौपदी आखिर थी कैसी पंक्ति ना से शुरू हो रही है और ना पे खत्म हो रही है नेक माने अच्छी नेक माने साफ दिल वाला नर नारिणी कुमामी
न बधा नहीं सब जानी। सुनिए, नर नारी नेक मानी, नब भय नहीं वो मानी। अगर नब भय को मिलाओगे आप तो नब्बा हो रहा। भय माने डर, भाभी जी भय माने होता है डर। नब भय उसके दिल में कभी डर नहीं हुआ, नब भय उसका चीर खींचा जा रहा था तब भी उसने कह दिया कि जब तक इसका अपमान का बदला नहीं दिलवा दूंगी तब तक ये केस, ये सिर्फ हिम्मत वाली नारी ही काम कर सकती है। अरे नहीं किया लोग तरसुख मेनी, नेक बानवे, अगर नेक बान बे को जोड़ दो तो बानवे गिनती हो रही है, पर नेक बान कुल कल्याणी। एक आन है, एक आन नेक बान बे कुल कल्याणी, नित राम वे है ये सुहानी, नित राम वे है ये सुहानी वो। देखिए जैसा कि आपके राइटर महोदय, मैंने एक बात कही थी कि आप अपने राइटर महोदय से कहिए कि थोड़ा मेहनत करें, तो आपको ये लगा कि तमाचा मार दिया, लेकिन सुनिए। नर नारी नेक मानी, नर नारी नेक मानी। देखिए कोशिश किन नब भय, कोई नया भय उसके दिल में कभी नहीं आया।